हेलो फ्रेंड्स, आज है 15 नवंबर और आज मैं अपनी बात की शुरुआत निफ्टी 50 की वेबसाइट से करूँगा। इसमें NSE की वेबसाइट में आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 में आज कारोबार कैसा रहा। इसमें आज निफ्टी 50 23 पॉइंट की यानी 0.20% की बढ़त के साथ 11,895.45 पर बंद हुआ, जिसमें अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो बढ़ने वाले शेयर की संख्या 19 और गिरने वाले शेयर की संख्या 31 यानी 31 है। इसके अलावा अगर आप निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स और लूजर्स को देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इंफ्राटेल जो है 9.71% की बढ़त के साथ, भारती एयरटेल 9.24% की बढ़त के साथ, SBI 5.54, जी लिमिटेड 3.9% और ग्रासिम 3.05% के बढ़त के साथ बंद हुए हैं। साथ में अगर आप लूज़र्स देखते हैं तो लूज़र्स में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 3.87% की गिरावट के साथ, हीरो मोटर कॉर्प 1.94%, BPCL 1.84, मारुति 1.48 और वेदांता 1.32% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ वोडाफोन आइडिया के आज के कारोबार की स्थिति देखने के लिए कि आज 15 नवंबर को मार्केट में कैसा कारोबार रहा। सबसे पहले मैं NSE की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ कि प्रीवियस क्लोजिंग जो रही है 2.95 रही है। इसमें अगर आप इसको आज की ओपनिंग 2.7 रही है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह 8.5% डाउन हुआ है। उसके बाद मार्केट 2.4 लो बनाता है जो कि -18.6% है। इसके बाद जो तेज़ी आती है मार्केट में उसमें वोडाफोन आइडिया शेयर 3.90 का हाई बनाता है और इस हाई को बनाते समय अगर आप परसेंटेज गेन देखेंगे तो 32.2% का प्रीवियस क्लोजिंग से हाई बनाता है और दिन के आखिरी में 0.8 पॉइंट की बढ़त के साथ 3.785 वैल्यू के साथ 27.12% की बढ़त पे बंद होता है। इसमें आज अगर हम ट्रेडेड वैल्यू की बात करेंगे तो ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेडेड वॉल्यूम आज का कुल 82.61 करोड़ शेयर्स ट्रेड किए गए हैं, जिसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी की मात्रा 17.4 करोड़ है। इसको परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आप देखेंगे तो 21.06% आज मार्केट की डिलीवरी हुई है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ जिससे आप क्लियर समझ सकते हैं। इसके बाद आपको मैं एक चीज़ और इस पर दिखाना चाहूँगा। आज के कारोबार में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा लो 2.4 बना है वो 52 वीक का उसने आज लो बनाया है। वो सिर्फ आज का लो नहीं बल्कि 52 वीक का लो है। इसके अलावा एक चीज़ और आप देख सकते हो कि आज का जो लोअर प्राइस बैंड है वो भी 2.4 है। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो इसमें आप एक इससे ये पता चलता है कि आज जो है वोडाफोन आइडिया के शेयर ने लोअर सर्किट लगाया था आफ्टर मार्केट, उसके बाद वापस से बाहर आया है अपने लोअर सर्किट से, बट इसने लगाया था, ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा आप अगर अपर सर्किट की बैंड की अगर वैल्यू देखेंगे तो 3.95 है और यहाँ पे अगर आप हाई देखेंगे तो 3.9, यानी ये अपने अपर सर्किट के एकदम करीब से आया है, यानी ये अपर सर्किट भी बहुत पास में था। ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ Q2 के रिजल्ट्स पे जो यस्टरडे रिलीज़ किए गए हैं। उसमें आप भारतीय एयरटेल के Q2 सितंबर 2019 के रिजल्ट्स को देखेंगे तो इसमें नेट सेल्स जो है 13,012 करोड़ की नेट सेल्स किया गया है, जो पिछले ईयर सितंबर 2018 के कंपैरिजन में 5.3% की बढ़त के साथ रिजल्ट्स हैं। अदर इनकम 66 करोड़ है, 66 करोड़, जिसमें 6.35% की ईयर ऑन ईयर बढ़त है और प्रॉफ
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,592 करोड़ है, जो कि पिछले ईयर की तुलना में 60% की जंप की गई है। ये काफ़ी बड़ी जंप है दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे इट्स अ वेरी हाई जंप। और नेट प्रॉफिट, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है इसने -24,513 करोड़ का बनाया है, यानी 24,000 करोड़ का इसको नुकसान हुआ है। बट इसमें जो है प्रोविज़न 28,450 करोड़ का जो प्रोविज़न किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो अभी नए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविज़न लगाया गया, अगर इसको आप हटा देते हैं तो कंपनी ने इस बार के क्वार्टर में टोटल प्रॉफिट 3,937 करोड़ किया है। यह बात आपको समझनी चाहिए, यानी अगर इस प्रोविज़न को आप नहीं देखते हैं तो कंपनी ने पिछले ईयर के क्वार्टर 562 करोड़ के लॉस के कंपैरिजन में 3,937 करोड़ का प्रॉफिट किया है। ये चीज़ एक काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, इसको मैं अलग तरीके से देखता हूँ। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, और साथ में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो 60% की जंप किया है, जो एक एक्सेप्शनल गेन है। इसके अलावा अब हम देखते हैं वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स। इसके अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इसका जो नेट सेल्स है वो 10,804 करोड़ का नेट सेल्स है। इसके नेट सेल्स की जंप 41% है, ये काफ़ी बड़ी जंप है दोस्तों। इसके अलावा आप अदर इनकम देखेंगे 316 करोड़ है, 61% की जंप पिछले ईयर के क्वार्टर सितंबर 2018 क्वार्टर के कंपैरिजन में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,305 करोड़ है, 7.4% करोड़ की जंप। एंड नेट सेल्स जो है, नेट प्रॉफिट जो है निगेटिव में है 49,727 करोड़, जिसमें से प्रोविजनिंग की गई 30,474 करोड़। इस प्रोविजनिंग को अगर आप हटा देते हैं तो कंपनी का टोटल लॉस जो है -18,953 करोड़ का है। पिछले ईयर के क्वार्टर में सितंबर क्वार्टर में 5,006 करोड़ का लॉस हुआ था, यानी मार्जिनली काफ़ी जो है इनका लॉस बढ़ा है। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों अगर आप गौर करेंगे तो आज वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के शेयर्स में काफ़ी जो है जंप था। उस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों था, तो मैं आपको कुछ जो मेन न्यूज़ हैं उनकी ओर ले चलूँगा, समरीज। फर्स्ट थिंग अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट लेट्स वोडा आइडिया गो बेली अप, टॉप बैंक टू टेक बिग हिट एफडीआई में हर्ष। ये जो है इकोनॉमिक टाइम्स के पॉइंट्स हैं जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और सेकंड, अगर आप देखोगे एसबीआई ने कहा है कि उनका जो है एक्सपोजर है 37,330 करोड़, यानी इन्होंने 37,330 करोड़ टेलीकॉम फर्म्स को दे रखे हैं, यानी अगर इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो एसबीआई में भी प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार आप और देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने 24,000 करोड़, एक्सिस बैंक 17,135 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 11,471 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 7,318 करोड़, इनका एक्सपोजर है इन दोनों टेलीकॉम सेक्टर्स में। इसके अलावा टाइम इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट कहती है कि अगर इन दोनों का टोटल लॉस 74,000 करोड़ को आप अगर देखेंगे तो इसको बैंकिंग सेक्टर में अगर ऐसा हुआ कि अगर ये रिकवर नहीं होता है तो ये बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर होगा। इसके अलावा आप जानते ही हो दोस्तों कि एसबीआई ने अपना जीडीपी का जो आंकड़ा है, जो फोरकास्ट किया है उसके अनुसार अब जो है जीडीपी का आंकड़ा सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आएंगे वो 4.2% के आसपास रहने का अंदाज़ा है, जो कि बिलो 5% की ग्रोथ होगी। और इससे पता चलता है कि इकोनॉमी अभी रिकवर नहीं हो रही है, वह और नीचे जा रही है। कुछ और पॉइंट्स हम देखेंगे, मनी कंट्रोल के अनुसार जो है देर आर रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पैनल मूलिंग फ्लोर
प्राइसेस फॉर कॉल्स, इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। मुलिंग यानी गवर्नमेंट ने जो पैनल गठित किया है वो पैनल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देने दे सकता है कि जो प्राइसेस होते हैं वोडाफोन या एयरटेल के डाटा के एवं कॉल्स के, पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा, कॉल्स को और डाटा के जो टैरिफ्स होते हैं उसके लिए एक फ्लोर प्राइस यानी एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया जाए जिससे कंपनियों को लॉस होना बंद हो जाए। जो थ्रोट कटिंग कंपटीशन है, इस कंपटीशन से कंपनियों को बचाने के लिए गवर्नमेंट पैनल ने यह सुझाव दिया है कि उनको जो है मिनिमम फ्लोर प्राइस पे डाटा और कॉल्स टैरिफ्स सेल करें। इसके अलावा आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो ड्यू टू दिस न्यूज़ शेयर ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री एयरटेल जंप्स 9% एंड वोडाफोन आइडिया 27% ऑन इंट्रा डे ट्रेड। ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट में है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। इसके अलावा आफ्टर मार्केट फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है, ये भी पॉइंट्स समझने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि अटेम्प्टेड टू कम्फर्ट द टेलीकॉम सेक्टर सेइंग द गवर्नमेंट डज नॉट वॉन्ट एनी कंपनी शट ऑपरेशन, यानी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी कंपनी अपना ऑपरेशन बंद करे। फाइनेंस मिनिस्टर्स वर्ड्स विल डू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एज पर टू टॉप टेलीकॉम एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। यानी गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट की मंशा किसी भी कंपनी को बंद करने की नहीं है और उसको सपोर्ट करने के लिए जब जब ज़रूरत होगी गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी। तो इससे जो है